एक घर को छोड़ के दूसरे घर जा रहा है। मुझ जैसा आदमी ऐसी गलती कर सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली लैंड कर गए हैं एंड यहाँ के वातावरण की खुशबू ही अलग है। एंड वी आर फाइनली इन जयपुर, तो घर में घुस के उनको सरप्राइज देते हैं। तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही नए व्लॉग में। एंड यस, वी आर फ्लाइंग टुमारो मॉर्निंग एंड हम कहाँ जा रहे हैं? इतना खुश एक इंटरनेशनल स्टूडेंट तभी होता है जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है। कभी सोचा नहीं था जब बड़े हो रहे थे कि लाइक पूरे साल का सबसे बेस्ट हाईलाइट वो होगी जब अपने घर जा रहे हो, बट दिस इज़ लाइफ। तो कल सुबह की फ़्लाइट है हमारी 9 बजे की, अभी बज रही है 8, तो आज जल्दी सोने का प्लान है बिकॉज 4 बजे तक उठना पड़ेगा सुबह बिकॉज एयरपोर्ट दूर है। मैंने अभी पैकिंग स्टार्ट करी थी बेसिकली एंड अभी रूम पूरा ऐसा फैला हुआ है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है रूम, बट इस तरफ मेरे सामने पूरा फैला हुआ है क्योंकि कपड़े एंड बाकी सब के लिए आपको गिफ्ट्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे, विच इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा जब मैं इंडिया गया था, एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू इंडिया। मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था न्यू ईयर पे अपने फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर को ख़त्म करके। सो मैं अभी ऐसे ही सोच रहा था यार, कंपेयर कर रहा था दोनों टाइम्स को जब मैं इंडिया गया था, एंड आई रियलाइज कि फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जा रहा था तब उससे पहले मेरी लाइफ में यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स थे। मेरा घर सेटल्ड नहीं था, बार बार इतना सारा लगेज लेके मेरे को मूव करना पड़ता था। ऑब्वियसली गाड़ी भी नहीं थी, वो अभी भी नहीं है, बट वो अलग बात है। बट उस टाइम मतलब मैं लिटरली केवल इस थॉट पे जिंदा था कि अभी जितनी डिफ़िकल्टीज हैं इनको निकालो, घर चलेंगे, कोई बात नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। एंड येस, दैट हैपन्ड। अभी ये वाला जो मेरा ये पीरियड था 5-6 महीनों का, दिस वॉज मच मोर सेटल्ड एंड आई फील सो काम। एंड फर्स्ट टाइम पे इंडिया जाना ऐसा था कि यार मुझे मेरे घर जाना है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट अभी इट्स वेरी डिफरेंट एंड अभी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील हो रही है कि हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मन भी लगने लगा है। ऑब्वियसली 6-7 महीने पहले मतलब हर चीज़ बहुत बर्डनिंग, बहुत ही स्ट्रेसफुल लगती थी, बट अब सब उसकी आदत पड़ गई जैसे जैसे, तो डिसिप्लिन हो गई लाइफ। तो काफ़ी डिफरेंट सी फीलिंग है इस बार इंडिया जाना, एंड मतलब इस बार सच में वो फील हो रहा है कि एक घर से, एक घर को छोड़ के दूसरे घर जा रहा हूँ, जो मुझे फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था बिकॉज मैं यहाँ पे परेशान हो गया था एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा याद आती थी घर वालों की, याद अभी भी आती है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी सेटल्ड हो गया हूँ, विच इज़ अमेजिंग एंड आई एम श्योर यू गाइज वुड बी ग्लैड टू नो दैट। डायरेक्ट फ्लाइट है इस बार, आई वॉज वेरी लकी, अच्छे फेयर पे मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई थी। कोई लेओवर नहीं, कुछ नहीं, सीधा मेलबर्न से उड़ेंगे, दिल्ली लैंड करेंगे, सब कुछ है अपने पास में, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। काम पैकिंग खत्म करते हैं फटाफट से एंड देन सुबह मिलेंगे, बस ट्रैवलिंग में आदमी थक जाता है, तो आज अच्छे से सो लेंगे। तो पैकिंग खत्म करते हैं फटाफट से एंड लेट्स कैच द फ्लाइट टुमारो मॉर्निंग। पैकिंग ऑलमोस्ट डन एंड पूरे रूम में वैक्यूम कर रहा था मैं भी, एंड लुक एट दिस, मतलब क्या लग रहा है यार मेरा बेड। बट ऐसा मतलब मन भी नहीं कर रहा अभी 3 घंटे के लिए सो, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, बट वी नीड टू स्लीप बिकॉज 4 बजे उठना है भाई। मतलब एज अ गाय जो बहुत कभी कभी अपना कमरा साफ करता है बिकॉज यार टाइम नहीं मिलता है, ये इतना पीसफुल लग रहा है देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है होटल का बेड बना दिया बिकॉज बिल्कुल समझ रहे हो ना, खिंची हुई चादर एंड सब कुछ नया नया, अच्छी स्मेल, तो आज बहुत मज़ा आएगा। बट 3 घंटे की नींद मिलेगी, 4 बजे हमें उठना है बिकॉज 9 बजे की फ़्लाइट है एंड एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। सो लेट्स गो टू बेड एंड पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट ऑल डन। कमरे में एक पूरा वैक्यूम मारना चाहता हूँ जाने से पहले, ताकि आते ही एकदम से वो सफाई वाला हेडेक ना हो। अभी कर लूँगा काम तो बाद में ईजी रहेगा, सो बस सफाई करते हैं, सोने चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने सब क्लियर कर लिया, काफ़ी स्मूथ था एंड बोर्डिंग गेट के पास आ गए वेट करने। बट एक इतनी मज़े की चीज़ हुई ये एक बार, ओके तो मैंने एक गलती क्या करी, मैंने कल मेरे रूम में 3-4 रेडबुल के कैन बचे हुए थे, तो मैंने रात रात को वो अपने हैंड कैरी में अपने लैपटॉप बैग में डाल लिया एंड आई वॉज श्योर कि मुझे इसको सुबह उठ के चेक इन में डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे को फिकवा देंगे सिक्योरिटी पे। बट
मैं भूल गया वो करना एंड मेरे लैपटॉप बैग में रह गए। अगर मुझ जैसा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ऐसी गलती कर सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मैंने देख लिया है। मैंने ट्रेन में रख दिया मेरा बैग, तो भाई वो ट्रेन निकली सिक्योरिटी चेक से मेरा बैग साइड में कर लिया। मैं कहा यार मेरे बैग में क्या हो सकता है, मैं लिक्विड रखता ही नहीं हूँ मुझे पता है। तो भाई वो इंडियन थे जो थे, अपने जो ऑफिसर थे वो इंडियन थे, बढ़िया जॉली नेचर के लग रहे थे। तो उन्होंने मेरा बैग साइड किया और वो भी पहचान गए मैं इंडियन हूँ। तो उन्होंने सीधे हिंदी में बोला क्या है बैग में। मैंने कहा कुछ भी नहीं है सर, लिक्विड तो नहीं होना चाहिए। बोले कि चार कैन है इसमें। मैंने कहा अबे यार मैं रेडबुल निकालना भूल गया। एंड गाइस यू गाइस वोंट इमेजिन क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा पीनी है आपको अभी। मैंने कहा सर पीनी तो है बट ये तो अब आगे आ गया, आप ट्रैश कर दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप एक बार वो उसको सिक्योरिटी डिटेक्शन गेट को पास करके आगे आ जाते हो, मैंने कभी नहीं देखा है कि आप लाइक वापस पीछे जा सको। तो उन्होंने मेरी ट्रे उठाई, बोले साथ चलो मेरे। उन्होंने मेरे को उल्टा निकाला, हम पीछे आए वापस से, बोले लो पियो फटाफट। मैंने कहा सर पक्का पी लूँ, बोले पियो। तो मैंने एक कैन खोला, घटघट घटघट मारा, दूसरा कैन भी मैंने, क्योंकि भाई मैं पिछले दो दिन में 6 घंटा सोया हुआ, मैं इतना स्लीप डिप्राइव था सुबह कि मेरे को रेडबुल पीनी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि पियोगे, मैं इतना खुश हो गया, मैं कहा सर पीनी तो है, नींद आ रही है। तो मैंने एक कैन खोला, फटफट फटफट मारा, तो उन्होंने कहा बाकी फेंक दे। मैं कहा सर एक और पी लेने दो, तो मैंने एक और पिया। मेरे बोले इससे ज़्यादा मत पीना, यू माइट किल योरसेल्फ। मैं कहा ओके सर। बाकी दो कैन मैंने उठाए, ऐसे डस्ट में फेंके, मेरा दिल टूट गया। बट इतनी बड़ी गलती गाइस, दो रेडबुल के कैन वेस्ट हो गए, बट इट्स ओके। मुझे चार पांच ऑफिसर्स देख रहे हैं, मैंने फटाफट फटाफट पूरी चेक कर ली जल्दी जल्दी, एंड अभी नींद बिल्कुल उड़ गई है। मैं 6 घंटा सोया हूँ टोटल पिछले दो दिन में, बट अभी ना बिल्कुल माइंड ऐसे हो रखा है क्योंकि मैंने दो रेडबुल के कैन और अभी कॉफ़ी पी। सो अभी कैफीन इतना ज़्यादा हो रखा है ना बॉडी में, मैं बता नहीं सकता, बट बहुत मज़ा आया यार। एनीवेज हमारी फ्लाइट आ गई है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो चलते हैं यार वापस घर चलते हैं, बहुत याद आ रही है। एंड अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस लेट्स गो, लेट्स बोर्ड आवर फ्लाइट बिकॉज और नहीं रहा जा रहा अब। सो 6 घंटे निकल गए हैं, अभी तक इतनी ऐसा लग रहा है फ्लाइट इतनी लंबी है बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट है। एंड अभी 7 और घंटे बचे। सो जैसे तैसे टाइम काटते हैं, बट आँखें इतनी ज़्यादा लाल हो रही है अभी बिकॉज मैं इतना स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, अच्छे से नींद भी नहीं आ रही, बार बार डिस्टर्ब करते थे, कभी आइसक्रीम ले आते हैं, कभी बिस्किट ले आते हैं, मतलब अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे उठाओ तो मत यार। बट एनीवेज गाइस हम लोग दिल्ली लैंड कर गए हैं एंड यहाँ के वातावरण की खुशबू ही अलग है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ना अब कहीं इंडिया में कहीं आ गए, बिल्कुल स्मेल ही अलग है भाई एयरपोर्ट पे। ऐसे मैं लैंड हो रहा था, पॉल्यूशन दिख रहा था, ऐसा अच्छा लग रहा था भाई, पॉल्यूशन दिख गया, इंडिया आ गए। सो गाइस रीच्ड जयपुर एंड मेरी डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में थोड़ा टाइम नेक टू नेक था, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट बढ़िया फ्लाइट पकड़ी। जयपुर बहुत पास में है, बैठते हो फ्लाइट में 20 मिनट आधे घंटे में लैंड हो जाती है एंड वी आर फाइनली इन जयपुर। एंड अभी सीन ऐसा है कि मुझे आदिश भैया लेने आ रहे हैं। आदिश भैया इज़ लाइक माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो आदिश भैया का वेट करते हैं क्योंकि मेरी फैमिली अभी कहीं बाहर है, वो घर पर नहीं है। सो होपफुली मैं घर में घुस पाऊँगा, मेरे को कुछ हैक्स पता है घर में घुसने के, तो घर में घुस के उनको सरप्राइज देते हैं। लेट्स वेट फॉर आदिश भैया टू कम। कुछ भी बोलो, अपना शहर होता है भाई। इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके मेरे को, एंड इतनी गर्मी है जयपुर में, मैं स्वेटशर्ट पहन रखी है, अराउंड 35-36 डिग्रीज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी इतनी एक्साइटमेंट है, अभी मेरे को गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो गाइज अभी इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, घर चलते हैं एंड फैमिली को सरप्राइज करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको वो होपफुली क्या, आई एम वेरी श्योर अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा उनका रिएक्शन, एंड बहुत मज़ा आने वाला है मैं तो सच में, बिकॉज मेरे घर वाले भी बाहर है कहीं पे, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। सो मैं घर जाके उनका वेट करूँगा। लेट्स गो।